नमस्कार मिरा सुबसंध्या ये के शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा पात्रता पात्रतापरीक्षा सिद्धता कुरानी तस्टीटी सी एच्चि अथवा शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा अथवा सी टेड होलिदासन कृति अस्त काचि कृति ये नाम होती मेघदूत तस्मा सदर्भा न्यूनातिनम प्रश्न होती अतः अद्वे मेघदूतसपर्के संक्षेपेण किंचि चर्चा कूम येघदूत संपर्क तो प्रतिदिन सायं काले कक्षा बवती है त्र प्रतिदिन एक श्लोक वयम अभ्यास कूम पठा अत्र केवलं वयम परीक्षा दृष्टि मेघदूत संपर्क संक्षेपेण किंच आलोचना कूम पुन केचन परीक्षोपयोगी प्रश्नान आलोचना कूम पशा अएतावत् पर्यंतम अत्री नूतनः सन्ति ते तत्र सबस्क्राइब इत्यादिं कर्तुं मरहन्ति इंस्टाग्राम मध्ये अपि भवन्त फॉलो कुर्वन्तु तत्र नियुक्ती संबंधी यत्किमापि सूचना इत्यादिं मागच्छति ततः भवन्त प्राप्तम रहन्ति टेलीग्राम मध्ये प्रविशन्तु ततः भवन्त पीडीएफ आदिंं प्राप्तचन्ति मेघदूतं यदि पश्यामचेत अत्र मेघदूतस्य रचनाकारः अस्ति का कालिदासः कालिदासास्य विषय अधिकं नपदामि यतो हि कालिदासस्य सम्पर्क इतः पूर्वं मम स्वतंत्रं व्हिडिओं

पुनश्च दूतरूपेण मेघम प्रशयती यख्य अतः दूतकाव्यंतिव परवर्ती समय पश्यं एक भागद्व एक अस्त पूर्व अत्र अपूर्ण यदि मेघदूत पश्यं तर वन वन फुक्त पंचदेश अधिक श्लोका वर्तंट तेसु पूर्वे सिक्सटी थ्री इुक्टे त्रिष्टिश्लोक उत्तरमें फिफ्टी टू श्लोक दवापंचाश्लोका वर्तंट है अतः एवं प्रकार मेघदूत से भागद्वती पूर्वे सिक्सटी थ्री श्लोका उत्तरमें फिफ्टी टू श्लोका हा, सर आहते श्लोक संख्या वन वन अत्र रसम यदि पशा चेत विप्रलम श्रृंगाररस अस्त श्रृंगारस से कालिदासु नाम सर्वासु कृतिसुव अृंगाररस प्रयोग होती छंद यद्याम चेत मंदक्रंद युक् जति होती चुरी चतुवर्णे षष्ट वर्णे अनतर सप्तम वर्णे एवं प्रकारेण अवती आहते संख्या यदिव प्रतिपा पश्य सप्तशसख्या वर्णना संख्या अक्षरा संख्या सप्तश होती अतः प्रथम चतुवर्णे अनतर पुनः षवर्णे पुनः अंतिम सप्तम वर्णे वर्णेव जतिपात होती अग्रे रीति यदि पशा चे वैधर्ीत कवि अस्त

ಾ ದ ವಂಪ್ಯಂತ ನಯಹತ ಯಕ್ಾವತಿ ಮಲನ ಪಸ್ಯಮತ ಸನಾವತಿ ಹೆಮಾಿಯತ ಸಂಪುರ್ ಿದ ಮಗುತ ಂಪ್ಯತಿ ತರ ಯ್ ನಮ ುತ್ಾಿ ಮಾಿಸ್ತಿ ಾಿ್ಮ್ತ ಿಂತು ದ ದ ್ ವ ್ ಪರಾನ ಪ್ಯಂತ ್ ವ ್ತ ಪರನವ ಲಿತಸ್ತ ಯ ಕ್ಯ ನಮ ಹಮಾಿತಿ ತ್ದೇ ಅತರ ನಯಹತ ಯಕ್ಣಿ ತಸೆಯ ತ್ತಮ ಮಾಮಹತೆ ವಿಶಾಲಾಕಿತಿ ತದವಿ ್ವಿದ ಪುರಾಿವು ಲಿತಸ್ संपूर्ण किम मेघधते कुछ न उल्लिखित अस्त यख से नम कि अथवा यक्षिण्य नम कि अस्त क्षेमेंद्र कालिदास मंदक्रा छंद दृष्टि एकक्यम प्रशंसा कौती सुबसा कालिदास मंदक्रताजते कुतवा सुबत्तिलक त्रलिद प्रशंसा कौती है तो अयक यक्ष नायिका यक्षिणी प्रश्न तो नागछति नायक से नाम कि मेघदूता यद्य पृछ नाय यक्ष नाम हेम पुनः यक्षिण्य नाम अस्त विशालाखी कु गृहित उपजीव्य ब्रह्मवैबत्त पुराण अग्रे पशा अत्र मेघदूते संपूर्ण मेघदूती पश्यता उपमालकार उत्पेक्षा ऊपर अलंकाराण अद प्रयोग अस्त यदि प्रमुखपात्र यद चर्चा कूम यक्ष अस्त यक्षिणी अस्त पुनः मेघा अस्ट पुनश्च कख्यापति अस्त एक पशा चेति काव्या प्रथम ग्रंथ इतपूर्व तथा गीतगानसदृश किम न विरचित अबत अतः प्रथम ग्रंथ बहूनाव अस्त अग्रे पशा इधनी इतनी किंचितघु लघु रूपेण बिंदुपेण पशा अनतर पुनः प्रश्नोत्तराण विषे चर्चा कूम मेघदूते ये श्लोकाना संख्या पशा ती पंचदकश्लोक यथा पूर्वेघे सिकी थ्री श्लोक उत्तर में फिफ्टी टू श्लोक मेघ एव दूते ये तदे मेघदूत बहुब्रीसमस होती यव्ये मेघ दूतरूपेण ग्छति ये कविताध्ये कामध्ये मेघम दूतरूपेण ग्छ मेघम दूतूपेण प्रेशय मेघदूतमी अतः सहुब्रीसमस संपूर्ण तो कथं तो जानते अतःस्र्चा न कौन यक्षाधिपति अस् कुेर सह एक चक्षमें स्व्याद विमुखा आसद यक्ष अतः तस्में श्राप दद्वामगिपर्वते निवस यक्षाधिपति कूबेर से राजधानी की किस्ट अलका अस्त अलका कस्ती कदचित प्रश्न बोति त्र हिमालयपर्वत कैलासनाम शिखरें तर्शती वक्त शक् प्रथम श्लोक पश्यु मंगलाचरण बहुत आग्छतिवलाचर विषय मंगलचरण प्रश्न आगछति अत कि स्मरणे स्थय कश्चि कशिद कांता बिरह गुरण स्वाधिका प्रमर्थ सापेन अस्त गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तु यक्षक्रीजनकन स्नानपुण्योदकु स्निग्धाया तरसु वसती राम हाँ बहते अति पात नाम गान कर्ति समय अभा अतिकर्चा न कोमी श्लोक एबमें कस्िद काुक्ति कस्ि यक्ष कस्ि यक्ष विरह अस्ट कस्मा अस्त स्वकांता किम विरह अस्त स्वाधिककार स्व्या अस्त अतः सह कि अस्ति सापेन गमित अस्पेनुक्त अस्त हस्त तस्मी गीधेक शक्ति आसक्ति सापेन हस्त गमित महिमा पुनच वर्षभोग्येन एकवर्षपर्म साप से ग्रहण कौती पातयति दशावती पातती स्नानपुण्य उदकु यख्या कुछ निवसती रामगिरी आश्रमें निवसती रामगिरी आश्रम विषय कथ वज स्निग्ध सन्धाया तरसु रामगिरि आश्रम तत्र अस्त विवधा पुष्पादपा सब विवधा वृक्षा सी तरयासु स आश्रमे तवसती अृक्षायासुव निवस तदव निवासं करोति पुनः तत्र तमगिरीपर्वतय पर्वतस्य महत्व दर्शयति जनकतनय इत्युक्ते सीता तत्र स्नानं कृतवान तत्र यद या नदी आसी तत्र सीता स्नानं करोत ततपि पुण्यजलम् भवति इति वदति अस्तु अग्रे चर्चां कुर्मक कदाचित अत्र प्रश्नोत्तरणां मध्येव अगच्छामः कालिदास्यन गीतिमयम् खंडकाव्यं किम् कालिदासनिद नाम खंडकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यम् अस्ति तद किमस्ति हनुमद हनुमद दूतं पवनदूतं दूतकाव्या संपूर्ण स्वतंत्र भीड़ियो रचित दूतकाव्या द्रष्टुमर् कालिदास गीतिम खंडकाव्यमें किम अश्य अम्यकुतर मेघदूत कालिदा विरचित गीतिम काव्यम कि मे अथवा खंडकाव्यमें कि मेघदूत वक्त शक् इश्यंत अवयपनूत पुनसमस्त हंसदूत कस्थित भी प्रश्न होती है दि दा प्रश्ण क्षति, සदूत्या नाम कहा लेखकास्ती, तत्र හदा वक्तु पारಯंति, श् रप गवा, री रूप गोस्वाmi, हं ुत से रचणा राकावाती श्री रूप गोषस्वामी क्षत्म त्र लिखामी तपी नोट अपिक ुब ए हसादूत से रचना कारवाति, श्री रूप गोस्वाmi, प व भडिम ते दूत ्यानाambi से अप निर्मिितवान श्ri ूप गोषवामी द सेवा रचणा कारभावाति नईकदंसोष्टा वद पवनदूत विषय ये पश्य पवनदूत मध्ये अत अेखक अस्तधोबिस्त पवनदूत लेखक अस्त अत्र अतः लेखने तथा साम्यक नोबिक नईक अभी धूई की वह पवनदूत लेखक अस्त धोबिक हंसदूत लेखक अस्तूपगोस्वामी मेघदूत रचनाकार कालिदास ి ర ్ాత ం ರత ర ದುత थಯ ಮూల ಸరూత. ಮಗದುత త, ಮಲ ಸరత कా ඒసంపర్ణ మख్యం ಹాస్తి. ಇ ఉಪ జిಬ్య ా ು్ిచ్ తರ యం వతం క్್ ಬలಮಿ ರಮన ಅతವప ದು తರ కలಪా ಾర ತ ಿక ಗಪಿత ಜනಸರత, धಿతం ಅతವ తస . पशा चेत सम विकता है कविस्वय में चिंति यक्ष इति कश्चन अस्ति अथवा यखिणी स अलगापुरी मध्ये निवसती रामगिरी अलगापुरुरीपर्य वर्णना अतः इति शक्न कविता यही तो संपूर्ण कथा न गृहीता अस्ति अतः मूल स्रोता अस्ति एव परवर्ती अस्थय प्रश्न कालिदासस्य गीति काव्य क्यों बिरह व्य वर्णी गीति काव्युक् मेघदूत अस्त मेघदूते कस्य बिरह व्यथा बिहे विच्छेद व्यथा कष्ट कालिदास गीति का वर्णिता अस्त दक्ष से, से यख्य कुबेर था था से कालिदासक अवत यक्ष से यक्ष बिह्य था तर्णिवती कुबेर तो तमस्तना नायक अस्त नायक वक्त नक् प्रभु प्रभु अस्त मुख्य अस्ट यहाँ यक्षमें अभिशाप ददाति यदर्थम यक्ष Uh, त्र सापग्रस्त भूत रामगिपर्वते निवर्षम अतः अथ कस व्यथ वर्णिता यक्षस्य एव परवर्ती प्रश्न अस्ति मेघदूतस्य रचना साहित्य कस्म विधाये अंतर्गता अस्ट कस् विषे प्रश्नं करोति कौती इति प्रश्नं सामान्यरूपेण मेघदूतस्य रचना साहित्यस्य कस्में भागे आगच्छति गद्यकाव्यं महाकाव्यं गीतिकाव्यं संगुक समीचीन उतर ये जानते वक्त अत्र अतः सब्यक् होती गीति काव्यंति गीति काव्य अंतर्भुक्ता अस्त साहित्य कालिदास महाकाव्यद किन पंच महाकाव्या पंच महाकाव्य महा कि तद भी होता एक कॉमेन्ट बॉक्स मध्ये प्रथम ग्रंथ इतनी कदाचि प्रश्न भविमर् प्रश्न अभी आगे गद्य काव्य प्रथम ग्रंथ कद्पी बहुवार प्रश्न आगछति गद्य से प्रथम ग्रंथ कुत्र दृश्यते एक प्रश्न से उत्तर कमेंट बॉक्स मध्य लिखं समीचीनमर उभय प्रश्न से अम्म इंस्टाग्रम्ये अतः प्रेशयाम तथि ज्ञात पारय परववर्ती प्रश्न अस्त अम्युतर आसी चतुर्थ प्रश्न से गीति काव्यं मेघदूत कीदृशंका काव्यं चंपूकाव्यं स्मर्तकाव्यं ग्य काव्यम दूतकाव्यं सब्य विकम इति एव भवति चंपू तो समीचीन विक अच्छा च दूतकाव्य परवर्ती प्रश्न प्रति मेघदूते कति श्लोका सी अदयेचन अद किचिव सरला प्रश्न सी अग्रे मे दिवस श्लोकागत प्रश्न की आनयाम यठिनता अभवक अदु सरला प्रश्न सी चिंतन अन्े किये अंकावती सूचय अत ष प्रश्नेश्न मेघदूते कति श्लोका संती। आ, है सी समीचीन विक अवती पंचदकश पंचदश उघ भागद्व पूर्वे सिक्टी थ्री श्लोका आ, दुण दुण, दुण है उत्तरघे फिफ्टी टू श्लोका सी एवं प्रकारे आहते श्लोकसख्या होती पंचदशन परवर्ती प्रश्न प्रति गा खंड काव्य किडकाव्यं दसकुमरचर मेघदूत नलचंपू कृताजुम सकल मेघदूत अ संशय न भचिथ कालिद्यव किएंक कमेंट बॉक्स मध्ये वनुतु कालिद खंडकाव्यवय एक अघदूतमी अस्त अनें खंडकाव्य कि कमेंट बॉक्स मध्ये अवश्य वदंत मेघदूते क्यों छंद से प्रयोग अभ्यादूत अस्त मेघदूत कस्य नाम छंद से प्रयोग बहती प्रश्न कौते अमीचीन उतर ऑप्शन बी एव मंदक्राताछंद मंदक्राताछंद कि सप्तशवर्ण होती है एक पदे सप्तशवर्ण ततिपाद कथम प्रथम तदनु तदनुष्ट वर्णे पुन सप्तमर्णे तवदे सगधरा यंद अस्तु सकधरा छंद कति वर्ण होती एक वर्ण बनती अत्र सप्त पुनः सप्त कारेण त्र यति वक्त अस्त मंदक्रांतंदे कथम व्यवहार होती चतुर्थे सप्तमे एवं प्रकारे त्र विरातव्यवर्ती प्रश्न अस्त मेघदूत संस्कृत साहित्यबीन काव्य प्रकाश से उद्भावना श्रेय प्राप्यते मेघदूत संस्कृत साहित्यबीन प्रकार से उद्वन काव्य श्रेय प्राप्य तथा कें अत्र सरलरूपेण प्रश्नं वदति मेघदूतम् एकं कीदृशं काव्यरूपेण सम्पूर्णसंसारे नाम प्रसिद्धः अस्ति सन्देशकाव्यं खण्डकाव्यं गीतिकाव्यं स्रोतकाव्यं पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति सन्देशकाव्यम् इति सन्देशनाटकरूपेण भवन्तः भासस्य नाटकानि द्रष्टुम् अर्हन्ति एव तत्र दूतघटोत्कचः एतद् एतादृशानि एता नाटकानि भवन्ति तत्र द्रष्टुं पारयन्ति किन्तु अत्र ಕಾವ್ಯರುೇಣ ಪ್ರಥಮವಾರ ತೇಯ ಗ್ಚತಿ ಕಾಳಿ ನಿಕಷಾ ಇವ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಕಲ್ಪ ಸಂದೇಶಕಾವ್ಯಮರ ಅಸ್ತಿ ಮೇಘದೂತ ಉಪರಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥಿನ ವಿರಚಿತ ಟೀಕಾ ಡೇಸ್ ಮೇಘದೂತ ಮಲ್ಯಿನಥಿನ ವಿರಚಿ ಟೀಕಾ ಕಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನ ಟೀಕ ದೀಪಸಿಖಾ ಇಳಿದಾಸು ಎ ಉಪಾಧಿ ಅಸ್ತಿ ಕದಚಿತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಆಗಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೇಶ ಪ್ರಶ್ನ ಪೃಚ್ಛತಿ दीपशिखाई का अथवा कस्या उपाधि अस्त अस्त मेघदूत उपरी मल्लिनाथन विरचिता टीका का अस्त संजीवनी थी? परावती मेगधुते, मेगधुते है परवर्ती प्रश्न अस्त मेघदूते कूबेण निर्वासी यक्ष कसती चक्रे मेघदूते मेघदूत काव्ये कुबेर अथवा कुबेर द्वारा निर्वासी यक्ष क आश्रमे अतःगिश्रम उज्जैन अलकापुरीयालां अत्र सम्यक् उत्तरं भवति रामगिरि आश्रमेषु इति तत्र रामगिरि पर्वते निवासाय एव यक्ष यक्षाय एव कुबेरः एव श्रापं ददाति अतेन शापेन सह सा रामगिरि पर्वते एव वसतिमेव काल नाम जीवनयापनं करोति एव अलगापुरी अस्ति तस्य यक्षस्य गृहं भवति अथवा कुबेरस्य राजधानी अस्ति परवर्ती प्रश्नः पर अस्ति अधस्तनेषु वाक्यानां सत्यासत्यं सत्या

तद्वदारम पश्यं मूछकटिकटक वर्त है मुद्रदाख्यनाम प्रकरण मलतीमाधव कबे प्रकरण हाँ अतिम विकलपमें सब्यकलतीमाधवस्ती मलतीमाधव इत रचनाकार अस्त भवूतिव अतः पश्यं ऑप्शन ए पुनश्च कदम्य तवदेव डी ऑप्शन अस्त पश्यु प्रथम विकल्प सत्यं अतिमें सत्यं अतः विकल्प अ ऑप्शन डी भविमर् पारवर्ती प्रश्न श्रृंगार अस्त मेघदूत करुणा प्रधान रस श्रृंगाररस करुण क्षमता करोना आगे मुख्य करणरसा वैराग्यरस अतः शांदरसम्युरम श्रृंगाररस मेघदूतकाव्ये मु अथवा संपूर्ण कालिदासत काद से पश्यधिकव अधिकाधिक प्रयोग विकल्प समीचीनक श्रृंगाररस प्रश्न अस्त कवल मंदक्राता छंद निब्द संपूर्ण यदि का मेघदूत पश्यं मेघदूत काव्य संपूर्ण कि अस्त मंदक्रताछंद विरचित अस्त सब्यकल मेघदूत मेघदूते प्रयुक्त छंदे प्रत्येक चरण कतिषरा प्रत्येक इत्युक्ते, पदे पद्क लाइन मध्ये की वक्त एव प्रत्येक रेखा मध्ये प्रत्येक चरणे चरण कती क्षेरा सीक्त सम्यक अत्र होती भवति अतः छंद मक्राताछंद मंदक्राताछंद सेयम होती प्रथम चतुवर्णे यति पुनचवर्णे पुनच अतिम अर्थ सप्तमर्णे यति प्रदर्शोक पश्यु यस्ती पशंतु स्वरे स्वयं गातमर् अथवा यद कक्षा तत्र अष्टवादने दृष्ट्वा गूगल मीट् मध्ये तथा एक अभ्यास करीत का अ पश्य कचिद का चतुवर्णे तत्व कस्चि बीर बीर गुरण स्वाधिकार प्रमर्ता ता, ता, प्रथम चतुर्थवर्णे पुनः बीर गुरुणा षष्ट वर्णे नाम विराम नेतव्य पुनः स्वाधिकारात स्व ए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम इत्युक्ते स्वाधिकारात प्रमर्थ अन्य एक शब्द तद्वदेव सापे सापेन अस्तम एक शब्द भवती तद्वदेव पुनः गमित महिमा गमित महिमा षष्ठ अभवत वर्ष भोग्येन पंचम द्वयम् सप्त अवगछन्ति चिंतयामि तद्वदेव पश्यन्तु कश्चित् कांता इति एकं चतुर चतुर वर्ण विरह गुरुणा इति तो पुनः चतुर चतुर नाम षड वर्ण एवं प्रकार तरह जतिपात होते सप्तश वर्ण प्रत्येक भागे पश्यंतु सप्तदश वर्ण एव सन्ति अग्रे अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति एव सप्तश इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः मेघदूतस्य अंगिरस कः मेघदूतस्य अंगिरस रस तो ज्ञातवन्त इति तेषु कीदृश रस वियोगशृंगारः

यक्ष मेघम दूतरूपेण अलगापुरी प्रेषयती तदवे अस्त पूर्वे परवर्ती अस्ट मेघदूत प्रमुखपात्र यदि पश्य सर्वे मेघदूत से प्रमुखपात्रेणवते कि प्रमुख कचन अस्त होती यक्ष तु प्रमुखपात्रुद कचन प्रमुख यहाँ वर्णना अतिदूते अस्त होती यक्ष यक्ष स्वामी क यक्ष स्वामी कवती कुबेर यम इंद्र वरुण यक्ष स्वामी कुबेर एक अद्यतन केचन अत्यंत सरला प्रश्न आसन्द वह अस्या चर्चा करतव मिला मिराने अग्रिम सत्रेपर्यतं विरमा जे तो भारत वधु संस्कृत वंदे मत धन्यवाद मि नमस्कार शुभरात्रि पुनः शुभ मिला